आखिर कौन लगता है आलिया भट्ट को क्यूट? आखिर किससे हैं आलिया भट्ट ऑब्सेस्ड? रणबीर कपूर या राहा कपूर? ना ना ना, वो आलिया भट्ट को सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान लगते हैं सबसे ज्यादा क्यूट। वो आलिया भट्ट बहुत जल्दी फिल्म जिगरा में आने वाली है नजर, और आलिया भट्ट का ही क्यूट कन्फेशन हो रहा है वायरल। वेल, दो साल पहले केजो के चैट शो में आलिया भट्ट और रणवीर सिंह नजर आए थे, जिसमें आलिया ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स को लेकर कई खुलासे किए। आलिया भट्ट ने किया था रिवील दैट शी इज ऑब्सेस्ड विद इब्राहिम अली खान एंड ही इज द क्यूटेस्ट पर्सन शी हैज एवर मेट। और तो और, उन्होंने इब्राहिम अली खान का डीएम भी शो पर पढ़ डाला। आलिया बिगन विद हैड टू रिमूव द टाइम टू मैसेज यू पर्सनली टू विच रणवीर एंड केजो कुड नॉट कंट्रोल देयर लव्स। फर्दर आलिया कंटिन्यूड रीडिंग, आई कैन नॉट बिलीव दिस इज द सेम लेडी आई लर्न फ्रॉम एवरी टाइम आई एम ऑन सेट। You are just phenomenal. You are so, so good as Gangu, and seeing you as Rani and then watching this film, it is safe to say you mold yourself effortlessly like water taking shape of its container. So, so good. Best actress in the country. Well, आलिया भट्ट ने जब एक क्यूट डीएम पढ़ा तो करण जौहर और रणवीर सिंह काफी हंसे। Well, आपको बता दें कि इब्राहिम अली खान ने आलिया और रणवीर स्टारर फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था, और शायद तभी से वो आलिया भट्ट से काफी इम्प्रेस हो गए हैं। वेल, इन फ्यूचर ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या कभी आलिया भट्ट और इब्राहिम अली खान एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आ सकते हैं। वेल, अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो आलिया भट्ट फिलहाल फिल्म जिगरा की शूटिंग में बिजी हैं, तो वहीं सैफ अली खान जूनियर एनटीआर स्टारर देवरा में नजर आएंगे, और वहीं इब्राहिम अली खान भी बॉलीवुड में अपना डेब्यू करेंगे फिल्म सरजमीन से, जिसमें उनके साथ काजोल और पृथ्वीराज सुकुमारन भी नजर आएंगे।